Hello guys, welcome to ExamB. In this video, we'll see some important news from PIB that is going to be really very important for your upcoming NABARD graded 2022 phase 1, both for ESI and general awareness. We'll see some questions, then uske baad wo questions pe hum discussion karenge kya news tha and kya kya aur details the us news mein. So before going forward guys, please subscribe to our channel and press the bell. ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जब भी हम आपके लिए लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, hello@examb.com पे आप मेल कर सकते हो, 9205240028 पे आप कॉल भी कर सकते हो. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021-2022 एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट. Here we are talking about second advance estimate of horticultural production. Horticultural production का second advance estimate recently आया है. इसमें पूछ रहा है कि total area under cultivation क्या है. You need to pause the video and then answer. Yes, the answer here is 27.74 million hectares. 27.74 million hectares. You need to remember the exact figure. यहाँ पे आप देख रहे हो, as per second advance estimate, it is 27.74 million hectares. First advance estimate में कितना था? 27.56. अभी 27.74 है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि production के बारे में ही बात किया गया है. In million tons, it is 341.63 million tons. और first estimate में था 333.25 million tons. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीजों का भी उन्होंने बताया कि क्या क्या एडवांस एस्टिमेट है. जैसे कि फ्रूट्स का 107.10 मिलियन टन्स, वेजिटेबल्स का 204.61, ओनियन का 31.70, पोटैटो का 53.58 एंड टोमेटो का 20.34 मिलियन टन्स. ये आपको ये याद रखना है. तो हमारा आंसर था 27.74 मिलियन हेक्टर्स अभी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन कल्टिवेशन के अंडर है. Here is the next question. The National Institutional Ranking Framework or NIRF was launched in which year? आपको बताना है जो NIRF है, जो colleges and universities को rank करता है इंडिया में, तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? Pause the video and try to answer. Yes, the answer here is 2015. It was launched in 2015. जो पहला ranking आया था वो आया था 2016 में. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके और डिटेल्स हैं. इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन भी देखेंगे. हाउ मेनी टोटल पैरामीटर्स आर देयर इन एनआईआरएफ रैंकिंग्स. वही एनआईआरएफ रैंकिंग्स में कितने पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम जज करते हैं यूनिवर्सिटीज को रैंक करने में. ये यूनिवर्सिटी रैंक वन है, ये टू है, थ्री है, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसपे हम इन्हें जज करते हैं. तो हाउ मेनी टोटल पैरामीटर्स आर देयर. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये अलग अलग पैरामीटर्स का अलग अलग वेटेजेस भी हैं. So pause the video and try to answer. The answer here is total 5 parameters are there. Okay? Total 5 parameters are there. The next question, which of the following institutions have been ranked at the top in the NIRF ranking 2022? Now, which of the following institutions have been ranked at the top in this overall category? Okay? Yeh overall category hum ek baat kar rahe hain. इसके बाद हम पूरा न्यूज को डिटेल्स में देखेंगे क्या है एनआईआरएफ, क्या क्या कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को क्या रैंक मिला है. ओवरऑल कैटेगरी में विच कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. द आंसर हियर इज आईआईटी मद्रास. ठीक है, आईआईटी मद्रास डी इज द आंसर. नाउ लेट अस सी द न्यूज. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है इंडिया रैंकिंग्स और एनआईआरएफ इसे कहा जाता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और एनआईआरएफ. इट इज लॉन्च इन नवंबर 2015 एंड 16 से लेके 2022 देयर हैव बीन सिक्स एडिशंस. ठीक है, सिक्स एडिशंस है, दिस इज द सिक्स एडिशन. तो टोटल 6 एडिशन अब तक रिलीज हुए हैं इंक्लूडिंग दिस ईयर्स. तो ये 5 पैरामीटर्स जो हमने बात किया था आप देख सकते हो, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception. These are the 5 parameters. Parameters ka weightages alag-alag hain. 30-30% each weightage milta hai teaching learning resources and research and professional practice ko. 20% weightage milta hai graduation outcomes ko, outreach, inclusivity and perception ko milta hai 10 each.
ठीक है, आपको वेटेजेस भी याद रखना है एंड पांच पैरामीटर्स को भी अच्छे से याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, इनमें से कौन सा पैरामीटर्स नहीं है एनआईआरएफ का, देन यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, वेटेजेस में आपको याद रखना है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, हाइएस्ट वेटेज मिलता है। फिर हम रैंकिंग्स में देख लेते हैं। ओवरऑल कैटेगरी में हमने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है इन ओवरऑल कैटेगरी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वो क्या है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, आईआईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट कैटेगरी में, एम्स न्यू दिल्ली मेडिसिन में, जामिया हमदर्द फार्मेसी में, मिरांडा हाउस कॉलेजेस में, आईआईटी रुड़की आर्किटेक्चर में, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर लॉ में, देन आप देख रहे हो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये डेंटल सब्जेक्ट में क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम मणिपाल कॉलेज को इन्होंने ओवरटेक किया। ठीक है, ये आपका टॉप रैंकिंग्स हैं, ये टॉप रैंकिंग्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एनआईआरएफ रैंकिंग। व्हिच सिटी हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन में 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस को 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस का एक लिस्ट निकालते हैं। तो रिसेंटली इंडिया का एक सिटी इंक्लूड हुआ है इसमें। वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, द आंसर हियर इज अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस बाय टाइम मैगजीन। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, वी आर सून टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर नबार्ड ग्रेडेड 2022, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, स्टडी मटेरियल्स पूरा आपका ESI ARD एज वेल एज फेज वन में भी जितने टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, सबका स्टडी मटेरियल PDFs एंड शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिससे आपको आप बहुत आसानी से आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। 24/7 मेंटरिंग होता है, आप अगर कोई भी डाउट पूछ रहे हो तो उसका मेंटरिंग आप 24/7 अवेलेबिलिटी रहता है, एंड इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिल जाएगा। यू कैन गेट फ्लैट 50% ऑफ राइट नाउ बाई यूजिंग दिस कोड NAV50। टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेस iexamly.com पे आप विजिट कर सकते हो। तो हमने देखा था जो वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 था बाय टाइम मैगजीन, इसमें अहमदाबाद ऐड हुआ है, और ये अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी अहमदाबाद ही है। ठीक है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP इज करेंटली इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी सिटीज। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज करेंटली इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी सिटीज, कितनी सिटीज में इंप्लीमेंट किया जाता है। द आंसर हियर इज 132 सिटीज। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो 132 सिटीज इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका डिटेल्स भी हम देखेंगे, इससे पहले और एक क्वेश्चन देख लेते हैं एनकैप पे। अंडर द एनकैप इट हैज बीन एनविजेज टू अचीव टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन इन PM, दैट इज पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन बाई विच ईयर अक्रॉस द कंट्री। तो एनकैप का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है 20 to 30% पर्टिकुलेट मैटर में रिडक्शन करना। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन के ऊपर ये टारगेट करता है, 20 to 30% रिडक्शन करना है अक्रॉस द कंट्री, लेकिन इसका टारगेट क्या है, बाई विच ईयर टेंस टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट मैटर बाई 20 to 30% बाई विच ईयर। आप पोज करके इसका आंसर दो। यस, इट इज बाय 2024, द टारगेट इज फॉर 2024। हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। 2019 में ये लॉन्च हुआ था। दिस इज लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो अंडर एनकैप जो टारगेट था 20 to 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन बाई 2024 अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड नाउ इट इज इंप्लीमेंटेड इन 132 सिटीज। ऐसा नहीं कि 132 सिटीज में ही पर्टिकुलेट मैटर को डिक्रीज करना है, अक्रॉस द कंट्री करना है, लेकिन अभी 132 सिटीज में ये इंप्लीमेंटेशन इसका हो रहा है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। 20 to 30% रिडक्शन है टारगेट बाय 2024। दिस आर द इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस इज इट गाइस, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसमें से कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। इफ यू हैव लाइक द सेशन गाइस, प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स जो
इसी सिमिलर एग्जाम्स में प्रिपेरेशन कर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, क्योंकि आपके नबार्ड एंड ऑल अदर एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज लाएंगे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इफ यू प्रेस दिस बेल आइकन। अगर कोई भी क्वेरी है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, hello@examvi.com पे आप मेल कर सकते हो, और यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 9205-24028। थैंक यू, हैव अ गुड डे।